हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हॉर्लिक्स का बहुत ही टेस्टी कुल्फी। और इसे हम बहुत ही कम सामान में बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया एकदम दानेदार कुल्फी बनी है, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन रख दिया है गैस पे। उसके बाद हम इसमें गैस को ऑन कर देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो दूध यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास के बराबर हमें डालना है फ्रेंड्स, यानी कप में देखें तो 3 कप के बराबर हमें इसमें दूध डाल देना है। तो ये 1 ग्लास मैंने डाला और उसके बाद आधा ग्लास और डालेंगे, तो ये 1.5 ग्लास पूरा ये मैंने डाल दिया। उसके बाद हम दूध में उबाल आने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध में उबाल आ गया है। उसके बाद हमें दूध को रिड्यूस करना है फ्रेंड्स। जैसे 1 ग्लास मैंने दूध डाला है, 1.5 ग्लास दूध डाला है, तो उसे 1 ग्लास बना लेना है। तो चलिए मैं आपको रिड्यूस होने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध आधा हो गया है और ये जो साइड साइड में मलाई लगा है इसे भी हम इसी में मिक्स कर देंगे, तो इससे हमारी कुल्फी और भी बढ़िया एकदम क्रीमी बनेगी। तो इसे भी मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के बराबर चीनी लिया है फ्रेंड्स। चीनी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने मिठास के अनुसार, आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आप चीनी डालें। तो यहाँ चीनी को भी मैंने मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम इसमें हॉर्लिक्स डालेंगे। तो ये 5 रुपये वाला पैकेट है फ्रेंड्स, तो इस तरह का हमें 2 पैकेट डालना है, 2 पैकेट पूरा डाल देना है। डाल करके हम मिक्स कर देंगे और यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है फ्रेंड्स। गैस को बंद कर देना है, जब दूध सूख के आधा हो जाए उसके बाद गैस को बंद कर देना है और इसे अच्छे से मिलाना है। और दूसरा पैकेट को भी डाल देते हैं सभी को, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें लम्स ना रहे। और फ्रेंड्स, मैंने हॉर्लिक्स को डायरेक्ट गर्म दूध में डाल दिया, उसके कारण यहाँ पे लम्स बन गया। तो आप इस तरह का गलती ना करें, आप पहले हॉर्लिक्स को एक कटोरी में निकाल लें और उसमें 5-6 चम्मच दूध डाल के उसका अच्छा सा घोल बना लें, उसके बाद आप पूरा दूध में मिक्स करें तो उससे लम्स नहीं बनेगा। अभी मुझे लम्स को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा मिक्स करना पड़ रहा है, तो आप इस तरह का गलती ना करें फ्रेंड्स। और देखिए, अब बिल्कुल भी लम्स वैसे नहीं है, सारा लम्स को मैंने हटा दिया है। उसके बाद हम इसे ठंडा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। ये और पहले से और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। देखिए, एकदम दानेदार कुल्फी बनेगी। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे मेरे पास कुल्फी मोल्ड है, तो अब हम इसे चलिए फिल कर देते हैं। अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड नहीं है तो आप इसे पेपर कप में भी बना सकते हैं, या फिर छोटे साइज का ग्लास या फिर कप में भी बना सकते हैं। चलिए इसे हम फिल कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आऊँगी। सभी में फिल कर देते हैं। उसके बाद हम इसे फोइल पेपर से कवर कर देंगे, ताकि इसके ऊपर आइस क्रिस्टल ना आए और जो हम आइसक्रीम स्टिक डालेंगे वो भी बीच में रहे सीधा। तो सभी को कवर कर देंगे। आप चाहे तो इसे प्लास्टिक से भी कवर कर सकते हैं, प्लास्टिक लगा के ऊपर से रबर बैंड से कवर कर दें, रबर बैंड लगा दें तो उससे भी अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सेंटर में कट लगा देंगे। यहाँ पे हमें आइसक्रीम स्टिक को डालना है। उसके बाद हम आइसक्रीम स्टिक डाल देते हैं बीच में। तो यहाँ पे मैंने सभी को में डाल दिया। उसके बाद हम इसे ग्लास में रख लेंगे ताकि ना गिरे, तो सभी को रख लेते हैं। उसके बाद हम इसे 7 से 8 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे। चाहे तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 घंटा हो गया है और कुल्फी अच्छे से जम गई है। उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं, डिमोल्ड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल पानी लेना है और नॉर्मल पानी में हम इसे इस तरह से डिप करेंगे अच्छे से घुमा घुमा कर, तो बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा। फॉइल पेपर को हटा देते हैं और हाथ पे रख के इस तरह से करेंगे तो हाथ की गर्मी से भी आसानी से कुल्फी निकल जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, कुल्फी बहुत ही बढ़िया बनी है, खाने में तो बहुत टेस्टी है। तो इसे एक प्लेट में रख लेते हैं, सभी को निकाल लेते हैं। आप भी इसे घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। और ये हमारी एकदम दानेदार बहुत ही बढ़िया कुल्फी बनके रेडी है।
बनाना भी बहुत आसान है, तो आप भी इसे घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।